ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ ही पारंपरिक व्यंजनों को जन जन तक पहुंचाने पूरे प्रदेश भर में गढ़कलेवा की स्थापना की गई है और अब इसी तर्ज पर प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मिलेट कैफे की स्थापना की जा रही है, जिसका पहला आउटलेट रायगढ़ में प्रारंभ हो चुका है और अब भिलाई में भी 3 स्थानों पर यह मिलेट कैफे शुभारंभ करने की तैयारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा की जा रही है। इस योजना को लेकर भिलाई निगम के NULM विभाग की मिशन मैनेजर ने हमसे खास बातचीत की और जाना कि मिलेट कैफे क्या है और किस तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश मिलेट हब में अग्रणी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार की मंशा है कि भारत मिलेट हब बने और मिलेट हब में मिलेट की जो भी वस्तुएं हैं, मोटे अनाज हैं जिसे मिलेट कहा जाता है, उसका उत्पादन भारत देश में सबसे ज़्यादा होता है। मैं हूं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज़। हम इसी मिलेट हब और मिलेट कैफ़े जो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे हाथों हाथ लिया है और वो चाह रही है कि मिलेट को लेकर के छत्तीसगढ़ अगुवाई करे इस देश में, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं NULM की मिशन मैनेजर शिवा रॉबर्ट्स मैडम, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये मिलेट कैफे, मिलेट हब है क्या। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है ग्रैंड एशियन न्यूज़ में। जानना चाहेंगे मैडम, अभी हम नया नया सुन रहे हैं कि मिलेट कैफे है, तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि मिलेट कैफे क्या है, और उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये मिलेट हब, मिलेट कैसे हैं और 2023 में कुछ घोषणाएँ हुई हैं, क्या है। देखिए, मिलेट के बारे में लोगों का अलग अलग ख्याल है। जितना हम अभी जो मिलेट कैफ़े हमने अपने प्रदेश के सरकार से सुना, उसके बाद हम लोगों को भी इसके प्रति बड़ी जिज्ञासा हुई है जानने की है क्या। और ये अभी की जानकारी के लिए लोगों को बता दूं कि वर्ष 2023 जो है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, जिसमें हमारे PM नरेंद्र मोदी जी सर के द्वारा हमारे भारत को मिलेट्स का हब के रूप में जाना जाए, ये उनका विजन रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में चूँकि बहुत सारे ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पर मिलेट्स के जो कहा जाए उनके अनाज जो हैं वो उत्पादन होते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये पहल रही कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से इसकी पहल हो सके, इसलिए राज्य का सबसे पहला मिलेट कैफ़े के रूप में रायगढ़ ज़िले में इसकी शुरुआत की गई है, जिसे महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मिलेट्स जो होते हैं वो अगर साधारण जानकारी के लिए बता दूं तो मोटे अनाज होते हैं, जो बाकी अनाजों की तरह ही हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, कार्डियो वस्कुलर डिजीज़ को कंट्रोल करने में, क्योंकि इनमें जो ग्लाइकेमिक इंडेक्सेस है वो बहुत कम पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ प्रोटीन जो होती है मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और बहुत सारे ऐसे हमारे अनाज हैं जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है, और बहुत सारे ऐसे और वेराइटीज़ हैं, आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो पता रहेगा कि ये सारे जो चीज़ें हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हेल्थ से कॉन्शियस लोग हैं, अभी ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो लोग स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का सेवन करने के प्रति रुझान है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये उपलब्ध भी है और इसका इस्तेमाल भी होगा और कुछ महिलाओं को स्वरोजगार भी मिलेगा, इसकी मंशा को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट कैफे की एक योजना, मतलब कहा जाए तो इनके विजन लेकर के आए हैं। तो यहाँ हमारे ज़िले में, दुर्ग ज़िले में जिला प्रशासन, माननीय हमारे यहाँ के भिलाई के मेयर सर और हमारे जिला प्रशासन के जिला दंडाधिकारी सर के निर्देश अनुसार हमारे भिलाई में दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाले सभी नगरीय निकाय से हाल में ही महिला समूहों को बुलाया गया था और इसका प्रशिक्षण देने के लिए रायगढ़ जिले की वही महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को बुलाया गया था, ताकि मिलेट्स से ओरिएंटेड जितने भी खाद्य सामग्री है वो बना करके इनको सिखाया गया। आने वाले समय में हमारे भिलाई और भिलाई के अलावा जितने नगरीय निकाय दुर्ग जिले के अंतर्गत हैं उनमें
हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो मंशा है कि वो ओपन किया जाए, हर एक नगरी निकाय में एक एक मिनट कैफे का ओपनिंग किया जाए, जिसका संचालन महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी और लोगों को भी इसके बारे में और जानकारी दी जा रही है कि मिलेट्स क्या हैं और इसे आप अपने स्वास्थ्य वर्धन में इसे उपयोग में ला सकते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो जंक फूड की बहुत प्रचुर मात्रा में स्टॉल्स लगते हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन का भी झुकाव है, लेकिन आप देखेंगे दूसरी ओर ऐसा भी झुकाव है कि लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, हर युवा वर्ग से लेकर के और ऊपर के आयु वाले भी आज की डेट पर स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा रुझान हो गया है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मिलेट्स के जो उत्पाद हैं और उनसे जो बने हुए स्नैक्स वगैरह हैं, ये सबको शामिल किया जाएगा। मिलेट कैफ़े एक ऐसा कैफ़े होगा जहाँ पर, मतलब जिन्हें लोकेट किया जा रहा है ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा आ रहे हैं और वो लेने के लिए इच्छुक होंगे, और हमारी जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएँ हैं उनको एक स्वरोजगार भी मिलेगा कि वो अपना जो भी चीज़ खाद्य सामग्री का उत्पादन करती रही हैं वो ये सारी सामग्री भी बना करके अपना व्यवसाय का बढ़ा भी सकती है और संचालन कर सकती है। मैडम संचालन करेंगी, उसकी सामग्रियां बनेंगी, स्टॉल लगेंगी जी, लेकिन मार्केटिंग कैसे होगी? स्टॉल तो लग जाएंगे, जगह का चयन को लेकर के अगर बात करें, धन उपार्जन की बात करें, लोगों में जागरूकता अभी है अपने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद आप भी ये चीज़ जानती हैं कि बहुत कम मात्रा में जागरूकता है, तो उसके मार्केटिंग को लेकर के क्या योजना है, कैसे जगहों का चयन करेंगे ताकि महिला स्व सहायता समूह जो इसको चलाएंगे उनका धन उपार्जन हो सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके? आपने बहुत सही सवाल किया है। हमारे पास दो पहलू है, देखिए एक तो ये भी मंशा है कि लोगों को हेल्थ के प्रति जो भी रुझान है, हमारे पास एक एजेंडा है उन तक पहुँचाने का कि अगर आप स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा आप सजग हैं तो आप बेहतर हैं कि जो नॉन स्टार्ची फूड्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर के कंटेंट्स कम हैं वो सारे का सेवन करें, जो प्रोटीन से युक्त है वो सारे सेवन करें, ये हमारे मार्केटिंग का एजेंडा हो सकता है। साथ में क्या है कि हम वैसी ही जगहों को फोकस करेंगे जहाँ पर हमारे जैसे कि जिम हो गए या लोग सुबह के समय में एक्सरसाइज करने के लिए या शुद्ध हवा लेने के लिए आते हैं या वॉक पे जाते हैं या सुबह के समय में जिन्हें वक्त नहीं मिलता लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस है और हेल्थ से रिलेटेड कुछ फूड स्नैक्स सुबह त्वरित जाने के समय नाश्ता चाहते हैं, तो ऐसे ऐसी जगहों का चिन्हांकन करके उस जगह पर हमने, मतलब यहाँ भिलाई क्षेत्र की मैं बात करूँ तो ऐसी ऐसी जगहों का अभी चिन्हांकन किया जा रहा है, जैसे नेहरू नगर का क्षेत्र हो गया, सेक्टर एरिया हो गया, पावर हाउस बेल्ट में भी हो गया, तो ऐसी जगहों का चिन्हांकन किया जा रहा है। अभी इनिशियल तौर पर अभी हमारी तैयारी ऐसी है। और दूसरा पहलू ये है कि महिलाओं का सामान जो है उनकी जो बिक्री है, तो अभी जो प्रशिक्षण में हमने बुलाया था सिखाने के लिए उन्हें यही चीज़ बताई गई है कि आप कितनी मात्रा में किस चीज़ का उपयोग में लाएंगे, क्वालिटी कैसे करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आपका प्रमुख एजेंडा ये होना है स्वास्थ्य ही हमारा प्रमुख एजेंडा है और यही हमारा पॉइंट ऑफ सेलिंग भी है कि आप अपने उत्पाद को किस नाम से आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी, उसमें हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके आइटम्स है वो यूज़ होने, जैसे शुगर का यूज़ नहीं होना है, गुड़ का यूज़ होना है, ये सारी चीज़ों को, और कितना टेस्टी आप उसको बना सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ ऐसा बंधा हुआ नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर जो आप ट्रेडिशनल रूप से बना रहे हैं वही, उसमें तो आप जितने प्रयोजन कर सकते हैं उतने तरीके से, जैसे हमने अभी प्रशिक्षण के दौरान देखा कि मोमोज भी बनाए गए, हलवा बनाया गया और कोदो का बिरयानी हमने जब टेस्ट किया वो वास्तव में बहुत ही लजीज था, और तो कहा जाए हम तो सोच नहीं सकते कि इतने सारे वैरायटी उसके, डोसा, इडली और बहुत सारा सामग्री, इवन उसकी चाय भी रागी की सुनने में आया कि ये बन सकती है, तो बहुत सारे प्रशिक्षण में दिए गए, दो दिन में जितना बन सका बहुत सारे आइटम्स बना करके महिलाओं ने दिखाया, सिखाया भी, टेस्ट भी किया हम लोगों ने, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। तो जब तक एक बार आदमी टेस्ट नहीं करेगा और उन्हीं आइटम्स में जो प्रचलन में है, जैसे हम इडली डोसा नाश्ता में बहुत ज़्यादा मांगते हैं, मोमोज आज की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा मांगती है, फिर एक वर्ग ऐसा है जो मेन कोर्स फूड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे आपका बिरयानी हो गया, वास्तव में वो फूड बहुत बहुत ही टेस्टी बनाता, तो मैं समझती हूँ कि क्वालिटी, एक लोकेशन, एक दाम और लोगों की जो डिमांड, चार चीज़ों को अगर आप पकड़ लें
तो वो मिला के आपका बाजार सक्सेसफुल कर सकता है। तो इसके लिए जगह भी बहुत ज़रूरी है, कहते हैं प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, ये चारों चीज़ मिला करके हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। निश्चित रूप से मिलेट कैफ़े जो है वो सक्सेसफुल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मिलेट कैफ़े को लेकर के, और इसके बारे में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, मिलेट कैफ़े और मिलेट हब, आपने देखा जानकारी मिशन मैनेजर NULM की भिलाई की शिवा रॉबर्ट मैडम ने हमको दी है इसके बारे में। और ज़रूरी है कि आज अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि आज हवाओं में जहर घुला हुआ है, हमारे खाने में जहर घुला हुआ है, अनाज में जहर घुला हुआ है, आज मिलेट फूड जो है, जो मोटे अनाज है, उसको उगाने में आज किसान उतने इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उस पर केमिकल का छिड़काव नहीं किया जाता है, इसलिए थोड़े से वो महंगे भी हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें और मिलेट फूड को, अनाज को, हम अपने दिनचर्या में शामिल करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इसके लिए मिलेट कार्निवल का भी आयोजन करने वाले हैं रायपुर में, और बहुत जल्द ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश मिलेट हब में अग्रणी भूमिका निभाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से सहयोगी प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूँ संतोष शर्मा।